हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसका कि चैप्टर का नाम है मैटर इन सराउंडिंग। मैटर इन सराउंडिंग इसका हिंदी होता है हमारे परिवेश के पदार्थ। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग इसका पांचवा भाग जो है आज पढ़ेंगे, जिसमें कि आज हम लोग गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पदार्थ की गैसीय अवस्था, पदार्थ की गैसीय अवस्था। और इस गैसीय अवस्था का जो है हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में जानेंगे, यानी कि इसके भौतिक गुणों के बारे में, यानी कि इसका जो सामान्य गुण होता है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस होता है, यानी कि साधारण जो इसका गुण हुआ, कैरेक्टर हुआ, उसमें पहला जो गुण है गैस का वो है शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि आकार एवं आकृति, आकार एवं आकृति। तो कहता है कि जो गैस होता है, यानी कि जो पदार्थ होता है, उसका तीन पांच फॉर्म होता है लगभग। तो मेनली जो है तीन होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। लेकिन अभी जो मॉडर्न साइंस है, इसमें जो है एक पार्ट है आपको प्लाज्मा, और चौथा जो है बॉस आइंस्टीन पार्टिकल्स भी कहलाता है। यानी कि मैटर को जो है फाइव पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। इसके अलावा जो है प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन पार्टिकल्स, जिसमें कि हम लोग सॉलिड और लिक्विड के बारे में पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग गैस के जो है गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो भौतिक गुण है वो है इसका आकार एवं आकृति। कहता है कि जो गैस होता है, गैस का जो आकार और आकृति अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। क्या कहा, गैस की न तो कोई निश्चित आकृति होती है और न ही कोई उसका निश्चित आयतन होता है। कहता है कि गैस को जो है, मतलब कोई भी गैस है, अगर उसको हम लोग किसी पॉट में रखते हैं तो उस पॉट की आकृति और आयतन को वो ग्रहण कर लेता है, ठीक है, और यह बर्तन के अंदर संपूर्ण स्थान को अपने में वो घेर लेती है, क्योंकि इसके कणों के मध्य इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स इतना कमज़ोर होता है कि ये पार्टिकल्स जो है फ्रीली इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। फिर सुनिए क्या कहा कि गैस जो होता है, गैस का जो शेप एंड वॉल्यूम होता है, ये इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि शेप एंड वॉल्यूम अनसर्टेन होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि कोई एक पॉट है, उस पॉट में जो है खाली पॉट है, तो उसमें क्या होगा, हवा भरा हुआ होगा, यानी कि गैस होगा। तो कहता है कि जब वो गैस अंदर में रहता है, तो जिस पॉट के अंदर में रहता है उसके पूरे स्थान को जो है वो अपने आप से घेर लेता है। घेरने का कारण यह है कि इसके, मतलब गैसियस पार्टिकल्स के बीच जो है, जो पार्टिकल्स है उसके बीच जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है, और इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स भी जो है उसमें कमज़ोर हो जाता है, जिसके वजह से वो फ्रीली जो है उस पॉट के अंदर जो है मूवमेंट करता है। ये जो है आपको पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था, इसको मोटा मोटी ऐसे समझिए कि गैस का आकार एवं आकृति अनिश्चित होता है, गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपको डेंसिटी। डेंसिटी को जो है हम लोग हिंदी में घनत्व बोलते हैं। कहता है कि ठोस और द्रव का जब कंपैरिजन गैस के साथ किया जाता है, तो ये समझ में आता है कि सॉलिड एंड लिक्विड से गैस का डेंसिटी काफ़ी लोवेस्ट पोजीशन में है, यानी कि निम्न है। क्या कहा कि गैस का घनत्व निम्न होता है किसके कंपैरिजन में, किसके तुलना में, तो सॉलिड और लिक्विड की तुलना में गैस का घनत्व निम्न होता है, लोवेस्ट होता है। फिर को समझिए कि ठोस और द्रव की तुलना में गैस का जो डेंसिटी है, घनत्व है,
वो लोवेस्ट पोजीशन में होता है, निम्नतम स्तर पे होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमानांक और क्वथनांक। द्रव्यमानांक और क्वथनांक कहता है कि एनटीपी पर, एनटीपी मतलब हो गया एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य ताप और दाब। सामान्य ताप और दाब यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर कहता है कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि एनटीपी पर किसी गैस का मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है। क्या कहा कि जनरली गैस का एनटीपी पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस का मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट कमरे के ताप से यानी कि रूम टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है, क्या कहा गैस का मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट, ऐसे समझिए गैस का मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट सॉलिड एंड लिक्विड से कम होता है, सॉलिड एंड लिक्विड से कम होता है। समझा गया, ये आपको जो है तीसरा पोजीशन पॉइंट था। चौथा पॉइंट है आपको कंप्रेसिबिलिटी। इसको हिंदी में जो है संपीड्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड्यता। कहता है कि गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी होता है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो सॉलिड एंड लिक्विड की अपेक्षा ज़्यादा होती है, सॉलिड एंड लिक्विड की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसका कारण यह है कि कहता है कि गैस में जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक होने के कारण, इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक होने के कारण गैस का दाब बढ़ाकर गैस के कणों को अत्यधिक निकट और दाब को घटाकर एक दूसरे से बहुत दूर किया जा सकता है। इसको फिर समझिए, क्या कहा कि गैस की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको जो है ऐसे समझ, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करके समझिए, तो कहता है कि गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक होने के कारण गैस का दाब बढ़ाकर गैस के कणों को अत्यधिक निकट और दाब को घटाकर यानी कि प्रेशर को घटाकर उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर किया जा सकता है। यानी कि प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो वो जो है कंप्रेस होगा, है ना, यानी कि उसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब दाब को घटाएंगे, प्रेशर को घटाएंगे तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा यानी कि वो फैलेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि जैसे साइकिल का ट्यूब है या फुटबॉल जो होता है उसके अंदर जो ब्लैडर होता है, कहता है कि साइकिल के ट्यूब या फुटबॉल के ब्लैडर में के कम स्थान में के में क्या कहता है ब्लैडर के कम स्थान में वायु की अधिक से अधिक मात्रा भरी जा सकती है। जैसे मान लीजिए बैलून ही है, छोटा सा बैलून होता है, उसमें हम लोग जो है मुंह से फूंकते जाते हैं, आप फूंकते फूंकते उसको बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर कहा कि गैसों का इंटर ऐसा इसलिए होता है कि गैसों का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो काफ़ी अधिक होता है, है ना, और इसके वजह से जो है अगर गैस का दाब बढ़ाया जाता है तो उसका जो है कण जो है पार्टिकल्स वो नियरेस्ट हो जाता है, नज़दीक निकट हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसके प्रेशर को घटाते हैं तो वो क्या होता है कि उसका जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाता है। इसका एक एग्जांपल है कि जैसे फुटबॉल का ब्लेडर या साइकिल का जो ट्यूब होता है
उसमें जब हम लोग उसमें बहुत कम स्थान होता है, लेकिन जब हम लोग उसमें हवा भरते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वह धीरे धीरे फैल करके जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फार्मूला पर ही जो है एलपीजी जो गैस हम लोग जो बोलते हैं, एलपीजी गैस भी वो कंप्रेसिबल होता है, जिसकी वजह से जो है वो गैसियस फॉर्म को जो है सिलेंडर में जो है जब पैक किया जाता है, तो गैस को जब पैक किया जाता है सिलेंडर में तो उसको कहते हैं पुक मेथड कहते हैं। तो पुक मेथड से जो है उसको कंप्रेस करके जो है हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि जो एलपीजी है यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसको कहते हैं। तो वो तो गैस फॉर्म में था, लेकिन जब उसको सिलेंडर में पैक करते हैं तो उसको वो जो कंप्रेस होता है तो वो लिक्विफाइड हो जाता है और सिलेंडर के अंदर में वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ऐसा पैसे सिलेंडर को ऐसे हिलाइएगा तो आपको लगेगा कि कोई लिक्विड उसके अंदर है, लेकिन जब वो हम लोग गैस का बर्नर खोलते हैं, नॉब खोलते हैं, तो वो गैस जो एलपीजी जब निकलता है तो वो गैसियस फॉर्म में बाहर निकलता है, लेकिन वो पुक मेथड से जो है उस गैस को कंप्रेस करके जो है लिक्विड फॉर्म में उसको चेंज कर दिया गया, इसलिए उसका नाम जो है एलपीजी है। और एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। जैसे मान लिया गया हम लोग हवा ही भरते हैं साइकिल के ट्यूब में भी हवा भरते हैं, तो पिस्टन से वो मतलब उसमें जो है हवा देते जाते हैं, वो धीरे धीरे ट्यूब जो है फैलता चला जाता है। तो इस ढंग से जो है कहा गया कि गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड एंड लिक्विड की अपेक्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाएंगे, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग किस पे है, गैस पे है ना। कहता है कि गर्म या ठंडा करने पर गैस को एक्सपेंड और कंप्रेस्ड किया जा सकता है। क्या कहा कि गैस को जो है हम लोग जब गर्म या ठंडा करते हैं तो ठंडा और गर्म करने के क्रम में जो है उस गैस को हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं और उसको कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं, यानी कि उसको फैला भी सकते हैं और उसको सिकोर भी सकते हैं। कहता है कि गैस को गर्म करने पर उसके कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसका जो पार्टिकल्स होता है उसका एनर्जी जो है बढ़ जाता है, और अर्थात गैस के कणों का वेग जो है यानी कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है और वह तेज़ी से जो है मूवमेंट करने लगता है और एक दूसरे से अधिक दूर होता चला जाता है। इससे गैस का एक्सपेंशन हो जाता है, अर्थात उसका जो वॉल्यूम है उसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। फिर समझिए, गैस को गर्म करने पर उसके कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस को गर्म करने पर उसका जो पार्टिकल्स होती है उसका एनर्जी बढ़ जाता है, अर्थात गैस के कणों का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है और वो तेज़ी से मूवमेंट यानी कि गमन करने लगता है और उसका जो पार्टिकल्स होता है वो धीरे धीरे एक दूसरे से काफ़ी दूर होता चला जाता है। इससे गैस का जो है एक्सपेंशन हो जाता है, अर्थात गैस का आयतन बढ़ जाता है। इसके जस्ट अपोजिट जो है गैस को ठंडा करने पर कणों की ऊर्जा कम हो जाती है। गैस को ठंडा करने पर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी एनर्जी जो है कम हो जाती है, जिससे उसके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो काफ़ी धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है और ये एक दूसरे के निकट आने लगते हैं। यानी कि जब उसको ठंडा करते हैं तो उसका पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के नज़दीक आने लगता है, यानी कि उसमें कंप्रेशन होने लगता है, और जब उसी गैसियस पदार्थ को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें फैलाव होता है, वो एक्सपेंड हो जाता है और उसका पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूरी बनाने लगता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। लेकिन जब हम लोग उसको ठंडा करते हैं तो क्या होता है कि उसका पार्टिकल्स एक दूसरे से और सड़ जाता है, नज़दीक हो जाता है, और इसका
ऐसा इसलिए हो जाता है कि उसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो धीरे धीरे घट जाता है और उसका फोर्स भी जो है उसके बीच में घट जाता है। इन कणों के बीच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है बढ़ जाता है, इसके कारण गैस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या कहा कि जब स्पेस बढ़ेगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन घटे मतलब बढ़ जाएगा, इसके कारण जो है गैस का क्या होता है आपको कॉन्ट्रैक्शन होगा, अर्थात गैस का आयतन घटेगा। यानी कि जब गैस को गर्म करेंगे तो उसका आयतन जो है बढ़ेगा, गैस को जब ठंडा करेंगे तो उसका आयतन जो है घट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग था। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक जो इसमें पढ़ेंगे, पॉइंट जो पढ़ेंगे, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, छठा होगा क्या, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। ठीक है, तो डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस को हिंदी में कहते हैं गैसों का विसरण, गैसों का विसरण। सबसे पहले जो है हम लोग विसरण वर्ड को समझेंगे, डिफ्यूज़न वर्ड को समझेंगे। कहता है कि डिफ्यूज़न क्या है, तो कहता है कि मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पदार्थों का बहाव। क्या कहा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों के बहाव को विसरण कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि गैस का जो पार्टिकल्स होता है उसमें तीव्र गति से जो है वेग करता है, मतलब गमन करता है, और वह गैसीय कणों के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत अधिक होता है। इसी कारण एक गैस के कण दूसरे गैस में आसानी से प्रविष्ट कर जाता है, यानी कि वो इंटर कर जाता है, अर्थात गैस स्वतः एक दूसरे में मिस्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया गैसों के घनत्व पर निर्भर यानी कि डेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है, यही प्रक्रिया जो है आपको क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस कहलाता है। क्या कहा, इसमें क्या हुआ कि एक पदार्थ मतलब दो पदार्थ हैं, दोनों को जब छोड़ देते हैं आपस में मिलने देते हैं तो वो क्या होता है, दोनों जो है गैसियस पदार्थ आपस में मिल जाता है। मिलने के पीछे कारण ये हुआ कि दोनों के पार्टिकल्स के बीच जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से मिल जाता है। जैसे मान लिया क्या, यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं आपको, ये एक जो है सिलेंडर है, ये इसका जो है बेस है, ये इसका बेस है, यहाँ बीच में जो है ये एक ढक्कन लगा हुआ है, यानी कि ऊपर एक सिलेंडर है और नीचे एक सिलेंडर है। ठीक है, ये पहला पार्ट है, ये इसका दूसरा पार्ट है, ये दोनों का मुंह जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ बीच में जो है एक ढक्कन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में जो है हाइड्रोजन गैस डाल देते हैं, नीचे में ऑक्सीजन गैस डाल देते हैं। ठीक है, नीचे में क्या किए, ऑक्सीजन गैस डाल दिए, ऊपर में जो है हाइड्रोजन गैस डाल दिए। डालने के बाद जो है दूसरे पिक्चर में क्या देखते हैं, हाँ अब इसको समझिए कि ये जो है दो छोटा सिलेंडर था, एक में जो है हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था, एक में जो है ऑक्सीजन गैस भरा हुआ था, दोनों के मुंह को जो है जोड़ देते हैं एक साथ, और इसके बीच में जो है एक ढक्कन लगा हुआ है, और जब दोनों को ये कर देते हैं तो ये ढक्कन को जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। जब हटा देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, ये हाइड्रोजन का कण जो है ऑक्सीजन में जाने लगा और ऑक्सीजन का पार्टिकल्स जो है हाइड्रोजन में जाने लगा, यानी कि दोनों जो है मिक्सडअप हो गया, यानी कि सम्मिलित हो गया, मिश्रित हो गया, और दोनों के कम्बिनेशन से जो है ये जो बना ये वाटर बन गया। क्या बन गया, यानी कि जब दो गैस आपस में मिला, जबकि दोनों की डेंसिटी काफ़ी अलग अलग है, दोनों की डेंसिटी काफ़ी अलग अलग है, लेकिन दोनों गैस है, और हम लोग जानते हैं कि गैस का जो पार्टिकल्स होता है उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है,
इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होने के कारण जो है दोनों का पार्टिकल्स एक दूसरे में समाहित होने लगा, एक दूसरे में प्रविष्ट होने लगा, और नतीजा क्या निकला, रिजल्ट निकला कि दोनों के मिलन से जो है वाटर बन गया, यानी कि हम लोग रिएक्शन में पढ़े कि H2 प्लस O2 एरो H2O, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से जो है वाटर बनता है ना, वाटर कंपाउंड बनता है। तो इस ढंग से जो है इसका मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे में मतलब इन करने लगा और दोनों जो है मिल गया, मिलने के बाद जो है वाटर बनाया, और ये दोनों का जो कण एक दूसरे में समाहित हुआ था, ये प्रोसेस समाहित होना यानी कि उसमें चले जाना, मिक्सडअप हो जाना ही विसरण कहलाता है। यानी कि ये विसरण इसलिए हुआ कि दोनों गैसियस मतलब एलिमेंट के पार्टिकल्स के बीच जो है काफ़ी स्पेस था, इंटरमोलिकुलर स्पेस उसमें ज़्यादा था, इसलिए दोनों का कण एक दूसरे में आसानी से आया और गया, और दोनों मिलने के बाद जो है जब एक साथ हो गया तो H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। ठीक है, इस ढंग से जो है वाटर बन गया। अब हम लोग जो है इसमें एक लास्ट पॉइंट है, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस सातवां पॉइंट है। कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, इसको हम लोग हिंदी में जो है बोलते हैं गैसों का संघनन। ये कंडेंस्ड हो जाना मतलब इसको जो है कैसे समझिएगा, कहता है कि पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव में परिवर्तित होना। क्या कहा, पदार्थ के गैसियस रूप का द्रव में परिवर्तित गैस का संघनन कहलाता है। फिर समझिए, पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसका जो है एक एग्जांपल, जैसे अब देखिएगा कि वाटर वेपर जो होता है, वाटर वेपर जो कंडेंस्ड होता है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे आप एक जो है गिलास ले लीजिए, यानी कि कांच का गिलास ले लीजिए, और उसमें जो है कांच के गिलास में आइस का टुकड़ा यानी कि बर्फ का टुकड़ा आप डाल दीजिए। ठीक है, जब हम लोग उसमें आइस का टुकड़ा को डालते हैं तो हम लोग कुछ देर के बाद क्या देखते हैं कि गिलास का जो आउटर लेयर है यानी कि जो बाहरी सतह है उस पर हम लोग देखते क्या है कि पानी का जो है बूंद बूंद नज़र आता है। पानी का जो बूंद बूंद नज़र आता है वही पानी जो है कंडेंस्ड होकर के गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया, यानी कि वह वेपर के रूप में चेंज हो गया। यही सबसे अच्छा एग्जांपल कंडेंसेशन ऑफ गैसेस का था। इसके बारे में और समझिए, कहता है कि पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस कहलाता है। गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके उसका संघनन किया जा सकता है। गैस पर दाब बढ़ाने पर गैस के कण परस्पर काफ़ी निकट आ जाते हैं, जिससे इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है उसका घट जाता है। ऐसा होने से गैस के कणों के बीच इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे गैस द्रव रूप में परिवर्तित होने लगता है। किंतु गैस के कंडेंसेशन में प्रेशर की अपेक्षा टेम्परेचर का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है। जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही नहीं सकती, चाहे उसका दाब कितना भी अधिक क्यों न बढ़ा दिया जाए। इसी ताप को हम लोग जो है क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो है लास्ट पॉइंट है प्रेशर ऑफ गैसेस, प्रेशर ऑफ
गैसेस, प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है। इसमें कहता है कि बर्तन की दीवारों के प्रति, क्या कहा, बर्तनों के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों का आरोपित बल, गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है, गैस का दाब कहलाता है। इसको ऐसे समझिए, गैस के कण विभिन्न वेगों के साथ विभिन्न दिशाओं में लगातार गमन करते रहते हैं। इस क्रम में ये कण एक दूसरे से तथा बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। इन टक्करों के कारण ये कण बर्तन की दीवारों पर एक बल आरोपित करता है, यानी कि बर्तन के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों का आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। तो कहता है कि दाब जो हुआ, यानी कि वायु का दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। कहता है कि समुद्र तल पर वायु का दाब 1 atmospheric कहलाता है। कहता है कि दाब का जो यूनिट है, यानी कि जो प्रेशर का जो यूनिट है, प्रेशर का जो यूनिट है, इसको पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। क्या कहा? प्रेशर का जो यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। और पास्कल को जो है शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, PA कहते हैं। यानी कि प्रेशर का जो यूनिट हुआ वो पास्कल कहलाया। और कहता है कि 1 atmospheric प्रेशर, 1 atmospheric प्रेशर जो होता है, कहता है कि वो जो होता है 1.01 into 10 to the power 5 PA होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ जानना है कि दाब की इकाई जो है पास्कल होती है, और कहता है कि 1 atmospheric प्रेशर बराबर जो होता है वह 1.01 into 10 to the power 5 PA कहलाता है। तो आज हम लोग जो है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज था इसके बारे में हम लोग पढ़े। अब इसका जो है अब नेक्स्ट क्लास में लास्ट पार्ट होगा। थैंक यू।